नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कटनी में सहारा इंडिया पर पैसे न लौटाने का आरोप लगाते हुए जमाकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कार्यालय पर ताला लगा दिया था, जिसके बाद सहारा कर्मियों ने खाता धारकों के धन की निकासी न होने के लिए सेबी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि सहारा कर्मी तो खुद अपने वेतन को लेकर ही परेशानी झेल रहे हैं, ऐसे में वे जमाकर्ताओं की राशि कैसे लौटाएं। 8 साल से सेबी के द्वारा पैसा जमाकर्ता को और कार्यकर्ता को नहीं दिया जा रहा है। एक एक पैसा संस्था ने दे दिया है सेबी के खाते में, लेकिन सेबी के द्वारा जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर हम लोग एक रैली का आयोजन हम लोग ने किया है, जिसमें हम लोग समस्त जमाकर्ता और कार्यकर्ता को लेकर के आपके समक्ष हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सेबी जो है सहारा को पैसा दे, जमाकर्ता को पैसा दे, इसी उद्देश्य से लेकर के आज हम लोग इस रैली को आज ज्ञापन भी देंगे। हाँ, ज्ञापन देंगे, एसडीएम साहब को देंगे, एसडीएम साहब को देंगे। ये रैली कहाँ से निकलेगी? हम लोग गणेश चौक स्टेशन, सुभाष चौक और कचहरी पहुँचाएंगे। बस ये रैली क्या जिले भर में निकाली जा रही है? समस्त उद्देश्य तो सारे देश का है, सारे जबलपुर में भी आज बड़े भव्य है वहाँ पर, और हम लोग ने भी एक डिसीजन लिया था कि हम लोग भी इस बात को, क्योंकि जमाकर्ता भी परेशान है, कार्यकर्ता भी परेशान है, वो पैसा जब रखा हुआ है तो रिलीज करने में इनको क्या दिक्कत है? जमाकर्ता से साथ झूठा कमिटमेंट हो रहा है, आज दे देंगे, कल दे देंगे, वो दे देंगे। जब पैसा है तो आप रिलीज करें, हम लोग जमाकर्ता को भुगतान के, हम लोग की भी जीवन शैली जो है काफ़ी बिगड़ गई है। जमाकर्ता कितना परेशान है, कितने बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, कर्जदार हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो ये सारी बातों को लेकर के हम लोग ने एक फील्ड के समस्त कार्यकर्ता द्वारा एक आयोजन अभियान चलाया है, और जमाकर्ता भी इसमें हमारे साथ में, जमाकर्ता भी काफ़ी परेशान है। रैली में कितने लोग शामिल? 200 लोग। 200 लोग नहीं होंगे, 200 लोग हैं लगभग। लगभग 200 से 250 लोग। हाँ, 200-250 लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नाहिद खान है। खबर समय जगत के लिए कटनी से ब्यूरो चीफ हसन रशीद की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।